ले चलते हैं आपको निमका थाना पाटन की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हां, भारी और अवैध खनन के ब्लास्टिंग के चलते दीवारें गिरी हैं। भाजपा वाइस चेयरमैन की दीवार गिरी है, जिसके चलते आपको बता दें भारी नुकसान भी हुआ है और बाल बाल बचे हैं भाजपा के वाइस चेयरमैन। इस तरीका का मामला पहली बार पाटन से सामने नहीं आ रहा है। यदि वास्तविकता को देखा जाए तो कई बार लोगों के आरोप है कि भारी ब्लास्टिंग के चलते आमजन के लोगों के घरों में भी दीवारें में दरारें आई हैं, किंतु अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही साथ लोगों के द्वारा ये भी आरोप है कि अवैध खनन का कार्य पुलिस प्रशासन की मिली भगत से जारी है और जिसके चलते अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस प्रशासन जानबूझकर अपने जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है या वह इस बारे में उनको किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है। क्या इस तरीके की भारी ब्लास्टिंग के चलते जिस तरीके की जनहानि भी हो सकती है, क्या पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएगा या इस तरीके की ब्लास्टिंग के चलते कोई जनहानि होने का कर रहा है इंतजार। पाटन के आशा देवी कॉलेज के सामने चल रही खदान में भारी ब्लास्टिंग से नारनौल हरियाणा के वर्तमान भाजपा के वाइस चेयरमैन मनोज कुमार जांगेड़ के वर्कशॉप में आई दरारें और दरारें आने से दीवार गिर गई और उनके ट्रैक्टर व गाड़ी दब गई। वहीं खुद व उनके साथी बाल बाल बचे। मौसम की हालत से वे उठ के चले जाने से बाल बाल बच गए, बल्कि गाड़ी व ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गई है।